एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है दिन मंडे और मैं आज अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और मैंने पहनी है ये नेवी ब्लू कलर की साड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है। और मैं आपको बता दूँ कि आज है मेरा फास्ट। मैं मंडे फास्ट रखती हूँ बहुत दिनों से। सो आज है मेरा फास्ट, तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और जस्ट मैं आई हूँ नीचे और अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो हम लोग सुबह उठे थे, सारा काम हम कर वर चुके थे, इसके बाद मैं नहा के और अभी आई हूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा और मैं बता दूँ कि मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही जो भगवान की फ़ोटो है उसमें मैं पूजा कर लेती हूँ। मैं शुरू से ही ऐसे ही करते आ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ इस तरह से पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है पीढ़ा या चौकी, जो भी हो आपके पास आप उसको इस तरह से रखें और उसको इस तरह से उसके ऊपर आपको बिछाना होगा सफ़ेद कलर का कपड़ा। तो मैंने यहाँ सफ़ेद तो नहीं था, ये थोड़ा सा क्रीम कलर का कपड़ा था मेरे पास। मैं शुरू से ही इसको रखते आ रही हूँ, इसलिए मैंने इसको इसके ऊपर बिछाया है चौकी के ऊपर कपड़ा। देन इसके बाद मैंने भगवान की फ़ोटो रखी है और ये सारी चीज़ें रख के मैं सबसे पहले भगवान को स्नान करा रही हूँ, उसके बाद इनको पोंछ के और फिर जो चंदन वगैरह ये सारी चीज़ें भगवान को लगाकर, और जैसे भी मुझसे बनता है, जैसे मैं शुरू से पूजा करते आ रही हूँ मैं कुछ वैसे ही करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं आता, जो भी मुझसे बनता है वो मैं कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ भगवान को सारी चीज़ें लगाऊँगी, हल्दी और भस्म चंदन ये सारी चीज़ें, एंड इसके बाद फूल चढ़ाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए डिटेल में, जो भी मैं करूँगी वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से मैं करती हूँ पूजा। भगवान की किताब भी पढ़ती हूँ, साथ साथ प्रसाद भी चढ़ाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने पूजा किया था। तो इस तरह से मैंने भगवान को रखा था और दीपक जलाया था, इनको भोग लगाया था दही का, क्योंकि दही दूध शहद यही सारी चीज़ें शहद भगवान को चढ़ती है। तो और ये हैं मेरे लड्डू गोपाल, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो और यहाँ भी मैंने पूजा किया था, सारे भगवान हैं ये कुछ इस तरह से हैं। और इसके बाद मैं आई हूँ ऊपर, तो ऊपर भी यहाँ मैं यहाँ जो केला लगे हैं, तुलसी माता लगी हैं, समी लगे हैं, तो यहाँ भी मैं जल चढ़ा दूँगी। ये सारी चीज़ें रोज़ की है, हम लोग रोज़ ऐसे ही पूजा करते हैं, डेली का है ये। तो अब ये क्लिप है किचन की और यहाँ मैं बेल रही हूँ रोटी, और तो ऋचा सेक रही है, तो यहाँ मैं बेल रही हूँ रोटी।
तो यहाँ मैं थोड़ी दूर से आज बेल रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत था, तो इस तरह से मैं हर नीचे बैठ के रोटी बेल रही हूँ, रिचा सेक रही थी। तो इसके बाद जो होगा वो मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं साथ साथ बात भी उससे करते जा रही थी। तो ये हो रहा है शाम का टाइम और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे देखिए, आपके साथ में एक चीज़ शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज का पूरा व्लॉग आपने देखा सुबह से शाम तक का। अभी मैं जस्ट ऊपर आई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग सब कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं शेयर करूँ, जो मैंने करवा चौथ में चूड़ा पहना था, राजस्थानी चूड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा चूड़ा था। तो वो मैं अभी आप लोग साथ शेयर करूँगी और उसकी मैं सारी डिटेल भी आपको बताऊँगी कि क्या है उसको, मैंने कहाँ से लिया था, देखने में कैसा है, वो रियल में कैसा, फ़ोटो में ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो रियल में ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर मेरे चैनल पर कोई नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब बता दूँ कि वो चूड़ा मैंने मंगाया था मीशो से और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चूड़ा है। तो वो मुझे कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था इस वाले बॉक्स में, जो कि है ये कागज़ का जो बॉक्स आता है जिसमें कि बैंगल्स वगैरह आती है, वो ये बॉक्स है। और ये ऐसे नहीं मिला था, ये बहुत अच्छे से रैप होकर मिला था, पूरी पन्नी में बहुत अच्छे से रैप होकर मिला था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि इसको ऐसे ही दे दिया रास्ते में टूट जाए, तो बिल्कुल ऐसे नहीं था। ये कुछ इस तरह से बॉक्स है, उसके ऊपर भी अच्छे से पॉलीथीन से रैप हुआ था, एंड इसके अंदर कुछ इस तरह से ये मिला है मुझे, जो कि बहुत अच्छे से, ये जो बबल रैप आता है ये उससे रैप किया गया है, तो
बहुत अच्छे से इसको रैप किया गया है, ये बिल्कुल भी इसमें टूटने के चांस नहीं थे। और मैं अभी आपको इसको ओपन करके भी दिखाऊंगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है, देखने में रियल में कैसा लगता है, और आपको मंगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से मुझे बबल रैप में रैप होकर मिला था, और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से है, और मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा अच्छा चूड़ा है। अगर आपको राजस्थानी चूड़े का शौक है, अगर आप पंजाबी पहन पहन के थोड़ा सा आपका मन भर गया, आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई कर सकती हैं। बहुत बढ़िया चूड़ा है, मेरी तरफ से तो थम्स अप है। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से पैक होके मिला। ये देखिए ये है बबल रैप में बहुत अच्छे से पैक होके मिला है, बिल्कुल भी टूटने का इसमें डर नहीं था। ये देखिए ये चूड़ा है जो कि मैंने पहना था करवा चौथ वाले दिन, और ये है मल्टी कलर का चूड़ा। तो अगर आपकी साड़ी है वो किसी भी कलर में है तो आप इसको ज़रूर से पहन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी साड़ी किसी भी कलर की होगी तो इजीली ये सब साड़ी के कलर में चला जाएगा। आप इसको सूट में भी पहन सकते हैं, लहंगे में पहन सकती हैं, आप इसको चाहे किसी भी चीज़ में पहन सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें पूरा वर्क किया हुआ है, ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें वर्क हुआ है, और इसमें पूरे में स्टोन लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चूड़ा है। मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप इसको मंगाएँ तो आप एक साइज़ इसको बड़ा मंगा सकती हैं, क्योंकि मैंने मंगाया था 2-6 मुझे लगता है, और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइट है, अगर थोड़ा सा लूज़ होता तो और शायद अच्छा लगता। तो अगर आप इसको मंगाएं तो आप इसको अपनी साइज़ से एक साइज़ बड़ा मंगाएंगी तो बहुत अच्छे से फिट आएगा, और थोड़ा सा ये ढीला ढीला रहेगा आपके हाथों में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा खिल के आएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से चूड़ा है, और इसमें ज़्यादातर सारे ही कलर हैं, ये इसमें ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, और ये क्रीम कलर है, और इसमें रेड है, तो इसमें सारे ही कलर आपको अवेलेबल हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि अगर आपकी साड़ी किसी भी कलर की होगी, अगर आपकी साड़ी ग्रीन ब्लू येलो किसी भी कलर की आपकी साड़ी है, आपका लहंगा है, तो हर एक कलर में इजीली चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे राजस्थानी चूड़े का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को इसको पहने हुए, तो बहुत ज़्यादा सुंदर सा चूड़ा है, आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई कर सकती हैं। और इसका जो कोड होगा और इसका जो प्राइस होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो अगर किसी को भी ये चूड़ा चाहिए होगा तो इसको ईजिली बाई कर सकता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा सुंदर चूड़ा है, मेरी तरफ से थम्स अप है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो आप इसको ज़रूर से एक बार ख़रीद के, अगर आप इस दिवाली में भी इसको पहनना चाहती हैं तो आप इसको ज़रूर से मंगा सकती हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको अपने साइज़ से एक साइज़ अगर बड़ा मंगाएंगे तो आपको ज़्यादा सही पड़ेगा, या हो सकता है मेरे साथ ही ऐसा हुआ हो कि मैंने 2-6 मंगाया था तो मुझे शायद 2-4 या शायद ही 2-6 ही हो, मगर इसकी ये थोड़ा सा मोटा मोटा जो कड़ा होता है इस वजह से शायद मुझे थोड़ा सा फिटिंग हो रहा हो। और मैं आपको इसकी एक बैंगल निकाल के दिखाती हूँ। तो इसमें सबसे पहले इस तरह की बैंगल्स लगी हुई हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, जो मोटा वाला कड़ा होता है ये कुछ इस तरह से है, और बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए ये है, इसके बाद है इसमें ये कुछ इस तरह से, इसमें जो मल्टी कलर के कड़े लगे हुए हैं कुछ इस तरह से है, इसमें पूरे में ऐसे स्टोन लगा हुआ है, पूरे में बहुत अच्छे से स्टोन है, और इसमें एक भी स्टोन बिल्कुल नहीं निकला है। तो आप इसको ज़रूर से मंगा सकती हैं, आपको पसंद आएगा और आपके ऊपर अच्छा भी लगेगा। अगर आप इसको किसी भी शादी पार्टी या फिर फेस्टिवल में, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, तो आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई कर सकती हैं। तो ये देखिए लास्ट में मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये रहा वो चूड़ा जो कि मैंने पहना था करवा चौथ वाले दिन, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आया था, क्योंकि मेरी साड़ी है वो एक कलर में तो वो प्लेन थी, और अगर आपकी कोई साड़ी प्लेन है वो सिंपल है एक कलर में है तो आप ऐसा वाला चूड़ा अगर ट्राई करेंगे तो आपकी जो साड़ी है वो थोड़ी सी खिल जाएगी, क्योंकि अगर साड़ी प्लेन है फिर आप इसे मल्टी कलर का चूड़ा पहनेंगी तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ज़्यादा खिल के आएगी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से है, तो आप इसको ज़रूर से बाय कर सकती हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को कोई नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए। एंड वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।